This is Arshad Khan from Crunchance Academy. Today we are going to solve May-June 2011 Business Studies Paper 1. Question number 1 or 2 हम already कर चुके हैं. Now today we are going to solve question number 3. GST is a public limited company. It produces steel products including gates and garage doors. GST has a flat organizational structure and a short chain of command. GST has many stakeholders groups including 600 employees. The managing director is considering introducing job rotation to improve employee motivation. He has also been analyzing some financial data. An extract is shown in table 3.1. GHC a public limited company है और जो ये steel के products बनाती है, जो gates है और garage के doors वगैरह बना रही होती है, इनका जो organization structure है flat है और short flat का मतलब short span of command है और इसके बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं और इसके 600 एम्प्लॉइज़ भी हैं. अच्छा, ये चाहते हैं कि हम जॉब रोटेशन को इस्तेमाल करें ताकि एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट किया जाए. अच्छा, कुछ इन्होंने फाइनेंशियल डाटा भी नीचे शेयर किया है ये आपके लिए, तो इसको हम देखते हैं. हम ये क्या है फाइनेंशियल डाटा. यूनिट सोल्ड, इन्होंने बताया कि पिछले साल जो 2020 में 30,000 यूनिट सोल्ड हुए और उसके हर यूनिट की प्राइस थी $100. वेरिएबल कॉस्ट जो है $60 पर यूनिट है. फिक्स कॉस्ट है $900,000. ब्रेक इवन पॉइंट है 22,500 यूनिट्स. फिक्स कॉस्ट, फिक्स, अब इसमें एक पहला सवाल आ रहा है कि व्हाट इज़ फिक्स कॉस्ट. कॉस्ट हैज़ टू डू दैट डू नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट्स और सेल्स. फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स, जैसे कि नाम से है फिक्स, यानी आपके आउटपुट कम हो या ज़्यादा हो वो फिक्स कॉस्ट सेम ही रहती है, या फिक्स कॉस्ट अगर सेल्स है तो फिक्स कॉस्ट भी उस हिसाब से सेम रहेगी. कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट एक्स का, जैसे ऊपर दिया हुआ है हमें 2000 शो योर वर्किंग. करंट आउटपुट कितनी है 30,000 और ब्रेक इवन आउटपुट कितनी है 22,500. दोनों फिगर्स हमें दी हुई है. अगर हम इनको तो इसमें माइनस करते हो तो 7,500 यूनिट्स आ जाता है. 7,500 क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यानी वो सेल्स जो ब्रेक इवन सेल्स से जितनी भी ज़्यादा होगी उसको हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं. आउटलाइन एडवांटेज टू जीएचटी हैविंग अ शॉर्ट चेन ऑफ कमांड. हमें शॉर्ट चेन ऑफ कमांड के बारे में बताना है कि क्या उसका एडवांटेज है. नंबर वन एडवांटेज क्या है, कम्युनिकेशन इज क्विकर, कम्युनिकेशन इज मोर एक्यूरेट, क्विकर डिसीजन मेकिंग विद इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी. देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज तो जाहिर है शॉर्ट चेन ऑफ कमांड होगा तो जो चीज़, जो इंफॉर्मेशन या जो डाटा, जो हमें आपको इंस्ट्रक्शन देनी है, एडवाइस करनी है, वो फौरन के फौरन हमारे पूरी लाइन में या पूरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मूव करेगी. वरना अगर लंबी चेन ऑफ कमांड होगी तो एक डायरेक्शन या एक कंपनी की जो अनाउंसमेंट एक के पास आएगी, सीनियर के पास, फिर उसके बाद उसके डिप्टी के पास, डिप्टी के पास मैनेजर के पास, मैनेजर के पास असिस्टेंट मैनेजर, फिर जाके डाउन द लाइन आएगी. मगर क्योंकि शॉर्ट चेन ऑफ कमांड है तो इससे ये आसानी रहेगा कि आपके जो भी कम्युनिकेशन हो रही है फौरन के फौरन डाउन द लाइन जाएगी. जब डाउन द लाइन नीचे फौरन जाएगी तो डिसीजन मेकिंग में बहुत आसानी होगी. और क्योंकि जाहिर है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो बहुत ही क्विकली आपको एक्शन लेना पड़ता है क्योंकि वहां पे पब्लिक का इन्वॉल्व है और स्टेट इन्वॉल्व होती है, तो उसमें आपको बहुत लोगों का ख्याल करना पड़ता है अपने ऑर्गेनाइजेशन का और सर्विस का. तो इस लिहाज से जीएसटी को शॉर्ट चेन ऑफ कमांड तो बहुत ही फेवर करेगा. अच्छा, दूसरा उसका एक एडवांटेज है, ईजियर टू डेलीगेट टास्क, मोर डेलीगेशन टू इट्स 600 एम्प्लॉइज. ठीक है, अच्छा, अब शॉर्ट चेन ऑफ कमांड होगा तो उसमें ये आसानी होती है कि कम से कम लोग होंगे. अगर फर्स्ट करें कोई मैनेजर ए नहीं आता है तो मैनेजर बी उसकी जगह फ़ौरन काम कर लेगा क्योंकि शॉर्ट चेन ऑफ कमांड है, उन्हें पता है कि हमें ये हर हाल में ये काम करना ही करना है. तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो मैनेजर ए जो है अगर उसने जस्ट नीचे इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी और उसके नीचे कोई काम करना नहीं. मैनेजर ए अगर काम नहीं कर रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन दी और मैनेजर बी अगर अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, किसी और को डेलीगेट कर देगा, भाई आप इसको फौरन काम करें, उसका जो भी सबॉर्डिनेट होगा या असिस्टेंट होगा. और क्योंकि शॉर्ट चेन ऑफ कमांड है तो जो उसमें इंफॉर्मेशन होगी, जो गाइडेंस होगी, जो चीज़ें होंगी वो बिल्कुल क्लियर होगी और सब लोग उसको आसानी से कर लेंगे. तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, अगर आप शॉर्ट चेन ऑफ कमांड हो तो आप डेलीगेशन ऑफ ड्यूटी जो है लोगों को आराम से दे सकते हैं.
ठीक है, ये चार नंबर का सवाल था, इसको आप अपने हिसाब से और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब 3D में आ जाते हैं क्वेश्चन। 3D एक्सपेंड वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज टू GST यूजिंग जॉब रोटेशन टू इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। जॉब रोटेशन है क्या? पहले हम जॉब रोटेशन की डेफिनेशन देख रहे हैं। जॉब रोटेशन इज द सिस्टमेटिक मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव वेरियस ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव सच एज ऑरिएटिंग न्यू एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग एम्प्लॉइज, इनहेंसिंग कैरियर डेवलपमेंट एंड प्रिवेंटिंग जॉब बोर्डम एंड और बर्नआउट। देखिए, जॉब रोटेशन क्या है कि जॉब रोटेशन का मतलब है कि आप एक एम्प्लॉइज को एक जॉब से दूसरी जॉब से, फिर दूसरी से तीसरी जॉब से, और इसी तरह से तमाम एम्प्लॉइज़ को आप जॉब रोटेट करते हैं। तो उससे क्या होती है, एक तो ये होती है कि लोगों को ओरिएंटेशन मिल जाती है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से काम हो रहा है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये काम क्या हो रहा है, और फिर उनकी ऑटोमेटिक ट्रेनिंग हो जाती है कि वो जब ज़ाहिर जब जाते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे सेक्शन में जब काम करने, तो वो उनकी ऑटोमेटिक ट्रेनिंग हो जाती है। अच्छा, फिर दूसरी बात सबसे बड़ी चीज़ होती है इनकी कैरियर डेवलपमेंट होती है। जितनी भी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या बिग ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको प्रीफर करती हैं कि अपने एम्प्लॉइज़ की जॉब रोटेशन करें, क्योंकि वो उनसे उनकी कैरियर डेवलपमेंट होती है। एक एम्प्लॉई जो तमाम सेक्शन में एक तमाम डिपार्टमेंट्स में जब काम कर सकता है, कर लेता है, तो उसके लिए बहुत आसानी होती है कि वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को या ओवरऑल डिपार्टमेंट्स को या एट अ टाइम वन और टू डिपार्टमेंट्स को आराम से चला सकता है, उससे काम कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी जॉब रोटेशन की एडवांटेज है। मतलब इसमें देखें जैसे ना कि एक नंबर वन है कि फ्यूअर वर्कर्स माइट लीव फ्रॉम इट्स एग्जाम्पल लीडिंग टू लोअर रिक्रूटमेंट कॉस्ट। अब इससे ये होता है कि जब आप जॉब रोटेशन कर रहे होते हैं तो बहुत कम लोग जो है जॉब छोड़ के जा रहे होते हैं, क्योंकि उनको जॉब में एक हर साल दो साल में जब भी जॉब रोटेशन होती है तो उनको एक नए चैलेंज, नया असाइनमेंट, नया टास्क मिल रहा था, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा होता है। और उससे फिर ये होता है क्योंकि रिक्रूटमेंट कॉस्ट भी कंपनी हो जाती है। ये अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके एडवांटेज में, एक तो नंबर वन होता है कि एम्प्लॉई मोटिवेट रहते हैं। नंबर टू, इफ़ अ वर्कर और अदर वर्कर में ईजिली परफॉर्म द अदर टास्क, इससे फिर ये आसानी रहती कि हमारे पास ये एक है कि स्किलफुल लोगों के एक अच्छे तादाद जमा हो जाती है, कि हमें पता है कि ठीक है एक अगर वर्कर एक टास्क कर सकता है तो वो दूसरा वर्कर को जब हम उसको जॉब रोटेशन करते तो उसके टास्क में या स्किल में और इजाफा हो जाता है। तो हमारे पास कभी कोई एम्प्लॉई छोड़ के जा रहा है या छुट्टी पे है तो दूसरा एम्प्लॉई उसके एरिए को देख सकता है। वर्कर्स हैव वैरायटी ऑफ स्किल्स सो प्रोडक्शन कॉस्ट मे बी रिड्यूस। ज़ाहिर जैसे 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 जॉब रोटेशन करते हैं आप, तो लोगों को नई नई स्किल सीखने की मिलती है। तो इसमें एक तो ये होता है कि आपके जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपको जो हमेशा हर वक्त आपके पास स्किलफुल लोग अवेलेबल होते हैं, जब कभी भी लोग छुट्टियों पे जाएं या कोई एम्प्लॉई लीव कर गया है, तो आपको ये नहीं होता कि जी हम एक एम्प्लॉई आएगा तो फिर हमारा काम शुरू होगा। नहीं, हमारे पास एक पूरी टीम अवेलेबल है जो जॉब रोटेशन के थ्रू डेवलप हुई, तो वो फिर आराम से काम को हैंडल कर लेती है। अच्छा, इसके डिसएडवांटेज हम इसको देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ये एक था, वर्कर में नॉट फेमिलियर विद ईच टास्क, लेस स्पेशलिस्ट इन टास्क, not get good at all task, lowering quality, increase waste, lead to mistakes, increase variable cost above $60, takes time to learn different tasks, switch between jobs. अच्छा, एक इसमें डिसएडवांटेज यही होता है कि देखिए आप जॉब तो रोटेट करते हैं मगर तमाम के तमाम एम्प्लॉइज आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाते हैं जो कि मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है। तो इसमें वेरिएशन आता है कि मैनेजमेंट सोचती है कि ठीक है अगर हमने एवरेज जॉब रोटेशन डज नॉट गिव कंप्लीट या फुल रिजल्ट, हर जो जॉब रोटेशन है ये नहीं कि हमारी जो मैनेजमेंट की जो उनकी रिक्वायरमेंट है या जो उनका सोच है उसके हिसाब से नहीं, उसमें कुछ ना कुछ अगर 80 लोगों को आपने जॉब रोटेट किया तो उसमें से 40, 50, 60 लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको समझ लो अच्छा रिजल्ट देता है, बाकी 20, 25 लोग ऐसे होते हैं कि नॉर्मली वो रिजल्ट नहीं दे पाते, क्योंकि इसकी वजह ये होती कि ज़ाहिर जब जॉब आप रोटेट करते तो एम्प्लॉइज़ को टास्क सीखना पड़ता, कुछ सीखना पड़ता, तो उसकी वजह से जो क्या होता है कि वो थोड़ा सा नई चीज़ों को लर्न करने में और पुरानी चीज़ों को अनलर्न करने में थोड़ा सा उनको मुश्किल होती, तो जिसकी वजह से ये एक एम्प्लॉइज़ को ये चीज़ अट्रैक्ट करती है। समटाइम इट्स नॉट गिव रिक्वायर्ड रिजल्ट टू द मैनेजमेंट, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बाज़ दफ़ा ये नहीं देती, कि अक्सर ये होता है कि मैनेजमेंट एक एम्प्लॉई को जॉब रोटेट करती है मगर उनको रिजल्ट नहीं आता, फिर उनको दोबारा उसको रिवर्ट बैक करना पड़ता है और फिर पुराने एम्प्लॉई को लेकर आना पड़ता है। वर्कर फील अनइजी टू मैनेज द चेंज, जैसे मैंने बताया कि अभी ज़्यादा अनइजी फील करते हैं, क्योंकि जब नई जगह जाएंगे, नए रूटीन, नए टास्क,
उनको सीखना पड़ेगा, उनको टाइम लगाना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब तो और चेंज आता, सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे एक चेंज आएगा। तो जो नॉर्मली इंसान जो है चेंज को रिजिस्ट करता है, भले वो पॉजिटिव हो या जो भी चेंज हो, तो मगर तो ये हालांकि ये जो चेंज हो जाता है थोड़े से वक्त के लिए होता, तो बाकी उसको उनको आगे वो वही चेंज जो है उनको काफ़ी बेनिफिट करता। तो ये डिसएडवांटेज है स्टूडेंट। नाउ कम टू क्वेश्चन 3। ये भी ये 6 नंबर का सवाल है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट सवाल है। सवाल ये कि डू यू थिंक द शेयर होल्डर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स ग्रुप टू अ लिमिटेड कंपनी जस्टिफाई योर आंसर। कि क्या शेयर होल्डर ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर होते हैं? अगर हम स्टेक होल्डर की कैटेगरी में देखें तो हमें इसके बारे में बताना होगा। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि शेयर होल्डर होते हैं क्या जी। शेयर होल्डर इज अ एनी पर्सन, कंपनी और इंस्टीट्यूट दैट ओन्स शेयर्स इन अ कंपनी स्टॉक। शेयर होल्डर्स आर सब्जेक्ट टू कैपिटल गेंस और लॉसेज एंड और डिविडेंड पेमेंट्स एज ए रेजिडुअल क्लेमेंट्स ऑन अ फ्रॉम प्रॉफिट। शेयर होल्डर जो है कोई एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, इंस्टीट्यूट हो सकता है कि जो कि किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और वो शेयर होल्डर होता है। और शेयर होल्डर को कैपिटल गेन भी होता है, डिविडेंड और लॉसेज दोनों चीज़ें देख रहे होते हैं। अच्छा, अब शेयर होल्डर अब देखें, हम अगर हम देखना चाहें तो शेयर होल्डर करते हैं क्या क्या है। शेयर होल्डर प्रोवाइड फाइनेंस, इन्वेस्ट मनी, कैपिटल इन बिजनेस विच कैन हेल्प द बिजनेस एक्सपेंड बाय मोर इक्विपमेंट सो कैन इंक्रीज आउटपुट। शेयर होल्डर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स होता है वो फाइनेंस का सोर्स बनते हैं शेयर होल्डर हमें बिजनेस। और वो जब फाइनेंस बढ़ता है तो वो हमारे बिजनेस के लिए इक्विपमेंट है या अदर एक्सपेंसेस है, तो तमाम चीज़ों को वो उसको हम उससे मीट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा भी हमारे पास अदर स्टेक होल्डर्स होते हैं। अच्छा, शेयर होल्डर जो है इन्फ्लुएंस इन द एम ऑफ द बिजनेस, हैव द पावर टू वोट आउट वोट आउट द डायरेक्टर, दे हैव लिटिल नो इन्फ्लुएंस ओवर डे टू डे डिसीजन मेकिंग। शेयर होल्डर जो डे टू डे डिसीजन मेकिंग में और डे टू डे मैनेजमेंट के काम में इन्फ्लुएंस नहीं करते, मगर हाँ उनके पास उनके वोट की पावर होती है, तो वो डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं या कोई नए डायरेक्टर्स को ला सकते हैं। अच्छा, अदर स्टेक होल्डर्स क्या है? कस्टमर एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हमारा। कस्टमर इज दे बाय द प्रोडक्ट्स एंड इफ इग्नोर्स देयर नीड्स द बिजनेस विल लॉस सेल्स रेवेन्यू। डायरेक्टर्स मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे डिसीजन मेकिंग। दूसरा जो हमारा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है कस्टमर्स। जब तक कस्टमर नहीं होगा तो हम चीज़ें सेल किसको करेंगे? इसलिए डायरेक्टर और मैनेजर जो है रिस्पॉन्सिबल तो होते हैं डे टू डे चीज़ों को मैनेज करने के लिए, तो इसलिए ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो जो हमारा एक जो बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है कस्टमर उनको देखे, क्योंकि कस्टमर ही जब हमारा सेटिस्फाई होगा, जब हम उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे तो हमारे बिजनेस ग्रो करेगा, हमारे प्रॉफिट अच्छा आएगा और सेल्स अर्न करने का, और उसी हिसाब से फिर हमारा जो दूसरा पहला हमारा जो स्टेक होल्डर है शेयर होल्डर्स, उनको हम फिर उनके अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। अच्छा, एक और स्टेक होल्डर हमारे एम्प्लॉई मेक द प्रोडक्ट, सो इफ दे बिकम डिमोटिवेट क्वालिटी में फॉल। अच्छा, दूसरे फिर एक और हमारा समझ लीजिए थर्ड पे अगर आ जाता है तो एम्प्लॉइज भी बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर है। अगर फर्स्ट एम्प्लॉई डिमोटिवेट होंगे तो हमारी क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों फॉल करेगी, जिससे कि हमें सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट है सप्लायर्स जो कि हमारे बैकबोन है हमारी प्रोडक्शन की। अगर सप्लायर्स के पास से हमें टाइमली और अच्छी और अच्छे रेट पे चीज़ें नहीं मिल पाएंगी तो हम प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, हम कंपेटिटिव नहीं होंगे और मार्केट में जो हमारे फिर कस्टमर लूज़ करना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे अदर स्टेक होल्डर्स हैं, लोकल कम्युनिटी, गवर्नमेंट है, लीगल फ्रेमवर्क है और बिज़नेस बैंक वगैरह और दूसरे लोग हैं, ये सब तमाम के तमाम हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि हमारे एक डे टू डे बिज़नेस है या एक कंपनी के सपोर्ट में काम कर रहे थे। अब आए हम इसकी जस्टिफिकेशन में। जस्टिफिकेशन माइट इंक्लूड शेयर होल्डर से इम्पोर्टेंट एज दे इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस विच कैन हेल्प द बिजनेस एक्सपेंड। However, once the business is established, they have little or no influence over day-to-day decision. Customers may matter as they buy the products. While the shareholders provide the important finance, without customers, even a limited company cannot generate income, and without this cannot cover its cost and make profit. So, the customer is probably the most important stakeholders. अच्छा, शेयर होल्डर तो इम्पॉर्टेंट है, जाहिर बात वो आपको फाइनेंस दे रहे हैं, बिज़नेस को एक्सपेंड कर रहे हैं, और शेयर होल्डर डे टू डे आपके मैनेजमेंट में या उसको डे टू डे बिज़नेस रन में नहीं होते,
फिर दूसरा जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कस्टमर। जब तक कस्टमर हमारे पास नहीं होगा तो हम कंपनी को कैसे रन करेंगे, भले वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इन तमाम चीज़ों से अगर देखा जाए तो कस्टमर हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर होता है कि जो कि हमें हमारे बिजनेस को आगे भी लेके जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। तो इसका मतलब है अगर हमें कस्टमर अच्छे होंगे, कस्टमर ज़्यादा होंगे तो हम प्रॉफिट कमा रहे होंगे, अच्छे सेल्स कर चल रही होगी, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा होगा, मार्केट शेयर बढ़ रहा होगा। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, अल्टीमेटली जो है तमाम जो हमारे स्टेक होल्डर और जब से जो हमारा सबसे पहला स्टेक होल्डर है शेयर होल्डर, तो उसको फ़ायदा होगा। तो क्योंकि देखिए शेयर होल्डर जो ना डे टू डे बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व नहीं होता, जब डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होता है तो हमारे डे टू डे बिजनेस में सबसे ज़्यादा किसका कंसर्न है, कस्टमर का। कस्टमर के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, सारी चीज़ उसके लिए हम मेहनत कर रहे होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कस्टमर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आवर स्टेक होल्डर देन टू शेयर होल्डर। थैंक यू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है, आप इसको देखिएगा। थैंक यू।